राम और सीता की आस्था को लेकर के कई विचार हैं। रामानंदियों का अपना विचार है, रामानुजों का अपना विचार है, आचार्यों का अपना विचार है, विरत भाव के जो साधु हैं उनका अपना विचार है। सब अपने ढंग से राम और सीता को पूर्ण पुरुष और ब्रह्म मान के उनकी आस्था करते हैं। लेकिन एक मधुरोपासना की परंपरा है जो वैष्णवों की परंपरा है और जो सीधे नाथ द्वारा से स्थापित होती है कि माधुर्य का, उनके रूप का, स्वरूप का बखान करते हुए और उनके साथ उस डिविनिटी में मिल जाने का जो भाव है वो उनकी मधुरोपासना है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं, अवध में ये विचार है कि 350-400 साल पहले अग्रदास जी ने यहाँ पे मधुरोपासना की स्थापना की और झूलन की परंपरा शुरू की, राम की झूलन की परंपरा शुरू की। राम चूंकि बहुत मर्यादित हैं, वो अपनी प्रेयसी अपनी पत्नी के साथ झूला भी झूलेंगे तो बहुत डिसिप्लिन झूलेंगे, उसमें कहीं कोई ऐसा कनोटेशन नहीं होगा कि जिसमें वो कहीं अमर्यादित हो जाए, या आप कोई ऐसी पदावली एक नहीं पा सकते हैं, चाहे वो होली का पद हो, चाहे वो झूलन का पद हो, चाहे वो श्रृंगार का पद हो, जहाँ कुछ भी ऐसा हो कि उल्लास के साथ मर्यादा का निर्वाह नहीं हो रहा। सखी संप्रदाय के कुछ मंदिर हैं, वहाँ उनका भाव यह है कि हम सब सीता की सखियाँ हैं और राम की सालियाँ हैं, तो हमारे वो जीजा हैं, वो पाहुन हैं, तो वो सब स्त्री भाव से रचते हैं, अपने को पुरुष होकर के भी स्त्री भाव में पूजा करते हैं, उसी में गायन करते हैं और अष्ट सखी अष्ट नायिका बन के राम को झूला की पेंग दिलाते हैं। तो तमाम जगह मंदिरों में जहाँ पर आपको स्त्री भाव में पुरुष मिले हैं वो सखी संप्रदाय को स्थापित करते हैं, वो रसिक संप्रदाय को स्थापित करते हैं और वो राम के प्रति अपनी आस्था गाते हैं। लेकिन जो उसके पीछे का विचार है वो ये है कि पूर्ण पुरुष के रूप में शिव राम हैं, वो अवतारी पुरुष हैं, उनका प्राकट्योत्सव होता है, वो ब्रह्म का और जो वो विष्णु का अवतार है, बाकी सब लोग उनके आगे, उनके ओज के आगे फीके हैं। तो वो सब स्त्री भाव से, करुणा के भाव से, वात्सल्य के भाव से, श्रृंगार के भाव से पूजा अर्चना है और वो चीज़ उसको सखी संप्रदाय में बनाती है, वो चीज़ उनको रसिक संप्रदाय का बनाती है और वो चीज़ राम के उस परंपरा का द्योतक है जिसमें श्रृंगार शामिल है। परमात्मा स्वयं रस स्वरूप है, रसो वैसा है, ऐसा वेद कहते हैं। उस परमात्मा के रस रूप से कनेक्ट होने के लिए, उससे प्रगाढ़ता से जुड़ने के लिए पुरुष होकर नहीं जुड़ा जा सकता। हम सुख नहीं लेंगे बल्कि दंपति श्री सीताराम के सुखी होने का उपाय करेंगे और जब वे सुखी होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हम में होगा। हम इस बात से जैसे माँ अपने छोटे बच्चे के मुंह में छोटे छोटे ग्रास भोजन के रखती है, उसके मुंह में नहीं जाता है, जाता है बच्चे के मुंह में, पर बच्चे की तरह ही माँ उस रस का अनुभव करती है जब वो उसको खाता है और प्रसन्न होता है।